इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मुकाबले में आखिरी क्षणों में ऐसा क्या हुआ कि सारे स्टेडियम में खलबली मच गई। दरअसल मोहम्मद शमी ने कुछ ऐसा किया जिससे कि श्रीलंका ड्रेसिंग रूम सकते में आ गया। दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप भी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के फैन तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 67 रन से शिकस्त देते हुए साल का पहला वनडे मैच अपने नाम कर लिया है। इस मैच में 2 शतक लगे, पहला तो इंडिया की तरफ से जो कि विराट कोहली ने अपना 73वां शतक लगाया और दूसरा श्रीलंका के कप्तान दासुन सनाका ने बनाया। लेकिन दासुन सनाका अपने इस शतक से चूक जाते अगर रोहित शर्मा दरिया दिली न दिखाते। जानिए पूरा मामला। मैच के अंतिम ओवर का है जब श्रीलंकाई टीम के कप्तान दासुन सनाका 98 रन बनाकर खेल रहे थे और अपने बन्ने शतक से सिर्फ 2 रन दूर थे। उनकी टीम हार के करीब तो खड़ी थी लेकिन वे चाह रहे थे किसी भी हाल में सनाका का शतक पूरा हो जाए। तभी मोहम्मद शमी ने गेंद फेंकने से पहले देखा कि सनाका क्रीज से बाहर खड़े होकर रन लेने की तैयारी कर रहे थे। शमी ने विकेट बिखेर दिए और रन आउट की अपील कर डाली। मैदान में हलचल की मची। तभी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आ गया है और शमी से अपील की वापस लेने को कहा, जिससे सनाका नॉट आउट रहे और अपनी पारी आगे बढ़ाते हुए शतक पूरा कर लिया। रोहित की इस दरिया दिली से ट्विटर पर उन्हें शाबाशियां मिल रही हैं। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।